देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर तमाम राजनीतिक दल राजनेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी छोटा शिमला में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी को युवा प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता है। उन्हें युवा उम्र में देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन दुखद घटना के कारण वे छोड़कर चले गए। युवा नेता के रूप में उनके कार्यों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक नौजवान नेता के रूप में उन्होंने अपनी एक छवि बनाई थी और बहुत छोटी आयु में देश के प्रधानमंत्री के नाते उनको जो है वो दायित्व हासिल हुआ था, लेकिन इस बीच में जिस प्रकार से दुखद घटना घटित हुई और वो छोटी आयु में हमारे बीच चले गए, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को देश के लिए नई सोच के साथ काम करने की दृष्टि से आज भी हम स्मरण करते हैं। और मैं उनके लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और पूरे देश भर में लगभग बहुत सारे राज्यों में ये ब्लैक फंगस की जो है वो घटनाएँ देखने को मिली हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी रिपोर्ट हुआ है केस। और हमने जो डॉक्टर्स के साथ जो टीम है डॉक्टर्स के साथ चर्चा की है सारे विषय पर, और जो भी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को जो व्यवस्था देनी है उसमें जो बेहतरीन किया जा सकता है वो भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि ऐसे पेशेंट्स अगर और आते हैं उस सूरत में उनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी हम पुख्ता करें और मजबूत करें, ये भी आवश्यकता महसूस होती है। और सभी राज्यों ने जिस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल डिसाइड किया है उसी के तहत जो है हम भी आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। डॉक्टर के डी आईज हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।